गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं हूँ अभी यस प्लाजा के पास में और बोईसर का व्यू दिखा रहा हूँ कि बोईसर में अभी फ़िलहाल में लॉकडाउन तो खुला हुआ है, लेकिन तो भी पब्लिक बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, पब्लिक अभी भी घर में ही है, क्योंकि लॉकडाउन या कोरोना की वजह से लोगों के डर में जो अंदर दिल में जो डर है और सभी लोग सहमे हुए हैं। ठीक है, देख सकते हो उतना अभी आदमी पब्लिक बाहर नहीं है। और कल के दिन जो 11 कोरोना केस मिला है बोईसर में सेवाश्रम स्कूल के पास में, उसके बाद और भी जैसे ऐसे मालूम हो रहा है लोग उसी तरह मतलब और ना निकलने का सोच रहे हैं। तो मैं अभी दिखाने वाला व्यू जो है कि उस साइड में रास्ते का काम चल रहा है तो उधर भी बहुत बड़े बड़े पेड़ कटे हुए हैं, तो मैं उसका व्यू दिखाता हूँ आपको और थोड़ा मंदिर की तरह का व्यू दिखाता हूँ। देखिए, ग्राम पंचायत का काम भी चल ही रहा है, लॉकडाउन है तो भी ग्राम पंचायत को सबसे ज़्यादा काम है फिलहाल में, ये हाउसकीपिंग का काम चालू है। बोईसर में गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा निकल रही है और क्या करेंगे भाई, सबको काम है। कल देखते हैं कि कल लॉकडाउन खुलता है कि नहीं खुलता है। क्या लगता है लॉकडाउन कल खुलने वाला है कि नहीं खुलने वाला है, कमेंट में करके बताएं लॉकडाउन कल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तरफ के लिए बस चालू हो चुके हैं, बस स्टॉप पर भी बस खड़ी है, पालघर धानू के लिए बस जा रही है आ रही है, रोड का काम भी चल रहा है। तो बस कल देखिए बताइए कमेंट में कल बोईसर चालू होगा कि नहीं होगा, कल पूरा लॉकडाउन बोईसर में खुलेगा कि नहीं खुलेगा। बोईसर फाटक की ओर जाने के लिए ये रास्ता है, अब ये रास्ता खुला हुआ है, पीछे वाला रास्ता दिख रहा है, और जो मेन रास्ता है सेवाश्रम गली का वो रास्ता बंद कर दिया गया है। अब देखो रास्ता कब तक खुलता है, लेकिन मेन रास्ता है वो बंद है अभी फ़िलहाल में। तो अगर आपको फाटक या केशव नगर गणेश नगर साइड जाना है तो आपको यही रास्ता पीछे का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, स्टेट बैंक के बगल से जा सकते हो आप। तो बस इंतज़ार करिए और सेफ्टी से ध्यान दीजिए और मास्क लगा के चलिए। अभी स्टेशन पे, अभी स्टेशन पे गाड़ियां तो आ रही है, एक्सप्रेस गाड़ियां, कुछ गाड़ियों को स्टॉप दिया हुआ है, लेकिन ऐसा है नज़ारा कि पूरा स्टेशन अभी भी बंद ही है, बंद है। ये देखो बोईसर रेलवे स्टेशन, और मार्केट का भी नज़ारा ऐसा है कि पूरा का पूरा ब्लॉक है। बोईसर में जो कल का केस के बाद से ना थोड़ा सा तो चेंजेस आया हुआ है, लोग घर से निकलना कम कर दिए। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, फिर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देके दिखाता हूँ आपको। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अभी करना क्या चाहिए फिलहाल में, लॉकडाउन में लॉकडाउन का पालन अगर नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। तो बस छोटी सी वीडियो थी, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।